गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कुछ प्रीपोजिशन, डॉट वरी प्रीपोजिशंस। और मैं आपकी डॉट को क्लियर करने का कोशिश करूँगा। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रीपोजिशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट व्हाट इज़ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन है क्या, तो प्रीपोजिशन इज़ अ रिलेशन शोइंग वर्ड्स। प्रीपोजिशन एक रिलेशन को शो करने वाला शब्द होता है। And if we talk about types of prepositions, then there are three types of preposition. First one is time preposition, second one is positional preposition, and third one is meaningful preposition. But if we talk about time preposition, what is time preposition? So time preposition, if any preposition comes before the name of time, is called time preposition. जब कोई प्रीपोजिशन समय के नाम के पहले आवे तो वो टाइम प्रीपोजिशन कहलाता है। हालांकि प्रीपोजिशन बहुत सारे हैं, लेकिन आप सारे प्रीपोजिशन को पहचान नहीं सकते। ये सेंटेंसेस में किसके पहले यूज हुआ है वो उन्हीं के अनुसार से आप प्रीपोजिशन की पहचान कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, टाइम प्रीपोजिशन, कि जब भी कोई प्रीपोजिशन समय के नाम के पहले आवे तो फिर वो टाइम प्रीपोजिशन कहलाता है। अब जैसे कि आपको मैं एग्जांपल बताऊं, आई गो टू स्कूल एट 6 AM, मैं 6 बजे सुबह में स्कूल जाता हूँ। तो आई गो टू स्कूल एट 6 AM, यहाँ पे 6 के पहले एक प्रीपोजिशन लगा हुआ है एट, तो यहाँ पे एट क्या हुआ, ये टाइम प्रीपोजिशन हुआ। अब मैं कहूँ आई विल कम बाय इवनिंग, तो इवनिंग क्या है, एक तरह का समय है और समय के पहले यहाँ लगा हुआ है बाय, तो यहाँ पे बाय जो हुआ ये टाइम प्रीपोजिशन हुआ। शी विल कम फ्रॉम मंडे, वह मंडे से आएगी, तो यहाँ पे मंडे जो है वो नेम है, यानी टाइम है, एक तरह का डे है, डे का नेम है, और इसके पहले आया है फ्रॉम मंडे, तो यहाँ पे फ्रॉम क्या हुआ, टाइम प्रीपोजिशन। तो दिस वे यू विल आइडेंटिफाई प्रीपोजिशंस। अब मैं बात करूँ पोजिशनल प्रीपोजिशन का, तो इफ़ एनी प्रीपोजिशन कम्स बिफोर द नेम ऑफ प्लेस इज कॉल्ड पोजिशनल प्रीपोजिशन। अगर कोई प्रीपोजिशन जगह के नाम पहले आवे, तो वो पोजिशनल प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे आई एम लिविंग इन अ विलेज, तो विलेज क्या है, एक स्थान है, और विलेज के पहले यहाँ पे आया है इन, तो क्या हुआ, इन जो हुआ वो पोजिशनल प्रीपोजिशन हुआ, पोजिशनल प्रीपोजिशन। आई एम स्टैंडिंग ऑन द रूफ, तो यहाँ पे रूफ जो हुआ वो एक प्लेस है, और इसके पहले आया ऑन, तो ऑन जो हुआ वो पोजिशनल प्रीपोजिशन हुआ। यस, दिस वे आप टाइम प्रीपोजिशन, पोजिशनल प्रीपोजिशन को पहचाने सीखें। अब मैं बात करूँ मीनिंगफुल प्रीपोजिशन। इन एनी प्रीपोजिशन कम्स नेदर बिफोर द नेम ऑफ टाइम नोट बिफोर द नेम ऑफ प्लेस इज कॉल्ड मीनिंगफुल प्रीपोजिशन। तो मीनिंगफुल जो प्रीपोजिशन होता है, इसमें प्रीपोजिशन आता है सेंटेंस में मीनिंग की पूर्ति के लिए। प्रीपोजिशन कम्स इन दिस सेंटेंस फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब मैं कहूँ जैसे कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, मतलब दही दूध से बनती है, तो यहाँ पे दूध से, तो फ्रॉम मिल्क हो रहा है, तो क्या मिल्क क्या जगह का नाम है, नहीं, कोई टाइम का नेम है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे जो फ्रॉम हुआ वो क्या हुआ, मीनिंगफुल प्रीपोजिशन। वन मोर एग्जांपल्स, आई एम राइटिंग विथ अ पेन, मैं पेन से लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे जो पेन हुआ ना ही जगह का नाम है, ना ही टाइम का नेम है, तो ये यहाँ पे जो विथ प्रीपोजिशन आया ये मीनिंगफुल प्रीपोजिशन हुआ। आई कैन लिव विदाउट यू, मैं आपके बिना रह सकता हूँ, तो यहाँ पे यू जो है इट इज़ नेदर योर नेम ऑफ प्लेस नॉर द नेम ऑफ टाइम, तो यहाँ पे जो विदाउट आया है तो वो क्या हुआ, मीनिंगफुल प्रीपोजिशन हुआ। तो गाइस, आज मैं इतना ही आपको बताऊंगा कि प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन कितने हुआ आपने देखा इस वीडियो में। बाकी मैं वन बाय वन बारीकी से अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा सभी प्रीपोजिशन का।